ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं प्यार तुमसे करता हूँ, फिर किसी और से शादी कैसे करूँगा? फिर भी कुछ तो सोचा होगा, मेरे तो अब पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता, पढ़ाई में बिल्कुल दिल लगता ही नहीं है, हर समय तुम्हारी याद आती है। बताओ तुमने ऐसा क्या कर डाला है, बोलो। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कुछ करके खिलाया हो। क्या करके? ये क्या होता? जैसे कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और वो लड़की उसे पसंद नहीं करती, तो वो लड़का उस लड़की को अपना बनाने के लिए किसी तांत्रिक बाबा से कुछ पढ़वा के सामान ले आए और उसे खिलवा दे, तो वो लड़की उस पर मोहित हो जाती है। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है मैंने भी ऐसा किया? अरे प्रेम सुनो तो सही, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो खामखा बुरा मान रहे हो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ना बोल रही थी। देखो मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करो। अरे प्रेम बेटा आएगा खेत में? हाँ पापा आएगा। अरे गेहूं तो ना खाएगा आयो ने बेटा? ना खाए ना। चल ठीक है ना खाए तो एक कट्टा यूरिया लेइए और कल बिखेर दिए। ठीक है मैं लाके बखेर दूंगा। अरे यार मैं आ तो गया, कहीं वो नाराज तो नहीं होगी? चलो कोई नहीं, मना लूंगा, लड़की तो है। अरे रामलाल भाई आज अकेले पी रहे हो हुक्का? आजा भैया बैठ ले, ले भैया हुक्का पी। बता भैया परशुराम कैसे आना हुआ? अरे कृष्ण भाई क्या बताऊं, मैं एक काम से आया, अगर तू मान जाए तब है यार। अरे भाई कैसी बात कर रहा है यार, तेरी न आने किसकी मानेंगे, ये काम में रहना ना काम है। अरे तू बात बता क्या बात है? ले तो भैया सुन। हाँ सुना भैया। मैं तेरे लड़के की शादी के लिए आया हूँ, तू उसकी शादी कर ले, परिवार भी बहुत बढ़िया है और लड़की भी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तू अपने मन की बात बता, तेरी क्या मांग है, शादी करेगा या नहीं करेगा? देख भाई तेरे घर के लिए ब्याह लेकर आया हूँ और ठोक के लेकर आया हूँ, बिल्कुल ठोक के, पक्का बिचौलिया बनूंगा। अब तो क्या बताऊँ भैया, चल कर लेंगे ऐसी बात है। अब यू बता कौन से गाँव से लेकर आया हो? गाँव तो ठीक ठाक है ना? देख भैया गाँव तो ठीक है, पर तुम पक्की पक्की बता दे तेरी कोई मांग तो ना है, बाद में मुझका कोई बात नहीं होनी चाहिए। अरे ना भैया मेरी कोई मांग थांग ना भैया, वो चार रोटी मिल जाए बस और कुछ ना। ठीक है तो फिर। ठीक है तो। अरे हाँ यार एक बात और, तू एक बार अपने लड़का से और पूछ लिए। अरे वो आगे छोड़, मेरा लड़का मेरी हर बात माने, फिलहाल तो भैया वो खेत में आ गया घूमने, जैसे आप आओ मैं बात पूछ लूंगा। ठीक है तो फिर। ठीक है भैया। अब क्या होगा? क्यों क्या हुआ? पिताजी मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मेरी ये समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और शादी भी तुम्हें से करूंगी। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है कि वो शादी मेरी किसी और से ना कर दे। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं काम ना करूँ, चेहरा बांध के तुम्हारे घर ना आ जाऊँ? पागल हो क्या, मरवाओगे? शहर बांध के मेरे घर आने की बात कर रहे हो? अगर जरा सी भनक भी लग गई ना तो हम दोनों को मार डालेंगे। तो एक काम करो तुम आ जाओ मेरे घर पर। अच्छा जी मैं आ जाऊँ, अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? कैसी बात कर रही हो, हमारे घर पर सिर्फ हम दो बाप बेटे हैं और कोई नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। अच्छा एक दिन तुम कुछ खिलाने पिलाने की बात कर रही थी, वो बात सही है क्या? हाँ सुना तो है कुछ लोगों से। कुछ लोगों से यानी कुछ तो बात है प्रेम। तुम्हें किसी की आवाज आई? आवाज? कैसी आवाज? जरा ध्यान से सुन के देखो। आई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
मैं तो बहुत डरी गई थी। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। अच्छा, खेतों के बहाने यहाँ ये सब करने आता है। और ये लड़की कौन है? पिताजी अनुष्का है, पास के गांव की है। कब से जानते हो एक दूसरे को? मैंने पूछा कब से जानते हो एक दूसरे को? एक साल से। एक साल से। तुम्हारे माता पिता को पता है तुम्हारे बारे में? जी नहीं। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गई तो क्या बीतेगी उनके ऊपर? कभी सोचा है आपने? लोग हंसेंगे उन पर। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, आज से मिलना मिलाना बंद कर दो। जी ठीक है, चल बे। अरे रामलाल, कैसे बैठा उदास सा यार? तूने शादी की बात नहीं करी अपने लड़के से? अरे भैया, क्या बताऊँ, क्या पूछता मैं उससे, वो तो पहले से ही बहू ढूंढना पड़ा। अच्छा जी, ये तो बहुत गलत बात है रामलाल भाई। तू एक काम कर, तू उस लड़की वाले से ही बात कर ले, अगर बात मान जावे तो। तब तो इज्जत बच सकती है, नहीं बात खराब ही खराब है। मैं तो चलता हूँ अपने घर। और हाँ, भेजे में डाल लिए, फिर नहीं समझाएगा कोई भी। और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे लड़के के हाथ में दे दूंगा? ये सब कहने से पहले तुझे डर नहीं लगा? ए, किधर गए? मारो इसे। तू अपनी मौत को दाव देने आया है? ए, रुको, मैं उठाओ इसे और बाहर फेंक का। नहीं ठाकुर साहब, इतना ही बहुत है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। निकल यहां से। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। और चलो काम पर लग जाओ। अरे बहुत ही मारो भैया, क्या करूं मेरी सास को, लोना मर बाइक छोड़ेगा। पिताजी क्या हुआ, कहाँ गए थे आप? कहीं न गए बेटा, उस लड़की के घर गया था तेरी शादी की बात करने। बेटा जैसे ही तेरी शादी की बात करी, वो मुझ पर भड़क गई और मेरी ये हालत कर दी। पिताजी, तुम्हें उसके घर पर नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, तुम अगर उस लड़की से मत मिलना। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल तेरे साथ भी हो सकता है। ठीक है पापा, मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलूंगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ। ना कोई फोन, ना कोई एसएमएस। चलो कोई नहीं, किसी काम में बिजी होंगे, मैं खुद ही करके देख लेती हूँ। हेलो। इतने दिन हो गए तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। वो इसलिए कि तुम्हारे पापा ने मेरे पापा के साथ सही नहीं किया। इसीलिए नहीं कर पाया, और उसके तो तुम भी भूल जाना। समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में कोई था ही नहीं। पिताजी अगर भूख लगी हो तो लाओ कुछ खाने के लिए। नहीं बेटा, मेरे तो कुछ मन है नहीं खाने का, तुझे भूख लग जाए तो खा ले। तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो? देखो
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ, और मैं देखती हूँ कि आज मुझे यहाँ से कौन निकालता है। पिताजी आप ही समझाइए ना इन्हें, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ये। बेटी ठीक ही तो कह रहा है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। पिताजी आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, क्या आपको मैं पसंद नहीं, क्या आपकी बहू बनने के लायक नहीं हूँ मैं? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद है, जो तुमने रास्ता अपनाया ना वो गलत है। नहीं बेटे इस तरह भाग का ना अच्छी बात नहीं है, इसमें घर वालों की बेइज्जती है और गांव वाले बुरा भला कहते हैं, और इसमें हमारी बेइज्जती है, समझ रहे हो ना बेटे मेरी बात को? पिताजी आप कुछ भी कहिए, मगर मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं इस घर से जाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि इस घर को अपना बनाने के लिए आई थी, और बना के ही रहूंगी। बेटा ज्यादा जिद करनी अच्छी बात नहीं होती, और ये ना पापा पापा कहनी बंद कर और तू जा यहाँ से। अच्छा तो यहाँ लग रही है सभा, क्यों रे तुझे मेरी लड़की मिली थी ये सब करने के लिए? नहीं पिताजी, इस सब में इनकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। ओ, तो ये सब तेरा करा धरा है? तेरी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मेरी बेटी ने जो गलती की है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं कमल जी, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, कोई नहीं। आजल,